इन तस्वीरों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात दी। ये सौगात है एशिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग। इस सुरंग के शुरू होने से जम्मू श्रीनगर की दूरी 30 किलोमीटर तक घट गई, यानी अब गाड़ी स्टार्ट होगी और फिर फर्राटा भरते हुए मंजिल तक पहुंच जाएगी। घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। टनल को चेनानी और नाशरी के बीच जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर बनाया गया है। दूरी कम करने वाली सिर्फ लंबी सुरंग नहीं है, ये लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के लिए विकास की एक लंबी छलांग है, ऐसा मैं साफ देख रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि अब राज्य को इस सुरंग के जरिए पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने उठाया है, उससे हिंदुस्तान के कोने कोने से टूरिस्टों को आने की सुविधा बढ़ने वाली है, गारंटेड टूरिज्म होने वाला है। और जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान में सबको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कश्मीर के युवाओं के पास दो रास्ते हैं, एक टूरिज्म का और दूसरा टेररिज्म का। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। 40 साल हो गए, अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर लहूलुहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई है। लेकिन इसी 40 साल में अगर टूरिज्म को बल दिया होता तो आज पूरी दुनिया कश्मीर की घाटी के चरणों में आकर के बैठी होती। पीएम ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि जो लोग खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमें उन्हें बताना है कि आखिर विकास का मंत्र क्या होता है। जो सीमा पार बैठे हैं वो खुद को नहीं संभाल पाते। सीमा पार के हमारे कश्मीर के हिस्से के नागरिकों को भी प्रगति करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए कश्मीर कैसे विकसित होता है, और जिन लोगों ने आप पर कब्जा जमा के बैठे हैं उन्होंने आपको कितना बर्बाद किया है, ये हम करके दिखाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का विकास पीएम के हमेशा से एजेंडे में शामिल रहा है। पीएम ने कहा कि ये सुरंग जम्मू कश्मीर की भाग्य रेखा साबित होगी और आने वाले समय में केंद्र सरकार राज्य में 9 और सुरंगों का निर्माण करेगी। अमृतपाल सिंह, उधमपुर, DD News।